हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा। मैं विनय। तो फ्रेंड, ये लीजिए, आपके बकोड़ा ही पहुंच चुके हैं इंदौर। इंदौर में ये मेरी पहली स्ट्रीट फूड की वीडियो होने वाली है। पहला मतलब सीरीज स्टार्ट चलेगी सब कुछ, तो सबसे पहली वीडियो होने वाली है। और पहली वीडियो में किस जगह पर आ जाऊँ, यहाँ का एग्जैक्ट पता मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पर मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ सबसे पहली उनको जरूर पता है। मैं पहली बार खाने वाला हूँ ये चीज़ मैं पहली बार ट्राई करूँगा। हमारे यहाँ वेराइटी है बहुत सारी, कॉर्न है, कॉर्न प्लस पनीर है, मिक्स है, चीज़ है, वेजीज है, सेव टमाटर है, 8 से 9 वेराइटी है। अच्छा, चीज़ वाले लगा दो, ठीक है। अच्छा, प्राइस क्या रहता है सर? प्लेन वाले का है 40 रुपये, कॉर्न वाले का है 50, कॉर्न प्लस पनीर का है 60। इसमें सब ये नॉर्मल वाले ही, अगर इसमें चीज़ ऐड करवाओगे तो चीज़ का रेट अलग होता है। और जो आपके इधर की टाइमिंग है वो क्या है? हमारा टाइमिंग है 2 बजे से रात को 11 बजे तक। यहाँ का एड्रेस क्या रहता है? यहाँ का एड्रेस है मेघदू चौपाटी, विजय नगर, इंदौर, मेरियट होटल के पास। हमको यहाँ पे 1 साल से 2 साल के समथिंग हो चुका है, और हम लोग नागपुर में रहते थे, वहाँ की ये डिश बहुत फेमस है, इसलिए हमने इंदौर में ट्राई किया तो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया। ये लीजिए, आप बनाना स्टार्ट कर रही हैं। सबसे पहले बटर है, ये बटर क्या? ये हमारे अप्पे का बेटर है। ये राइस, सूजी, दाल सबसे मिल के बना रहता है, इसमें वेजीज भी ऐड होती है। बनने में कितना टाइम लगता है सर? इसको 7 से 8 मिनट का समय लगता है बनने में। तो 7 से 8 मिनट लगता है बनने में, इतना वेट कर सकते हो सरदार भाई? करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है नहीं, कच्चे निकाल के खा लेंगे। ये मोहब्बत भाई बताएंगे हमारे। कच्चे निकाल के खाने का मन कर रहा है? नहीं, अभी नहीं, अभी तो काला
देख सकते हो लगभग हमारे अब्बे पक्के तैयार हैं। अब इनको बस प्लेट में सर्व करने की बारी है। अच्छे देख सकते हो तो ये लीजिए हमारे चीजी आप पे बन के तैयार है। दीदी ने ऊपर से ढेर सारा चीज डाला है, देख रहे हो खूब सारा चीज ग्रेट किया है, और उसके ऊपर से धनिया मसाला ढेर सारा ये डाला, और उसके बाद नारियल की चटनी और ये लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी पहले दीदी ने बोल दी काफी स्पाइसी है और स्पाइसी है। तो अब बिना एक खा के ट्राई करेंगे गर्मा गर्म एक घूम में जाएंगे ये चटनी में टिप। मोहब्बत भैया चलो टेस्ट अच्छा भैया का नाम ही सुन के मैं खुश हो जाता। टेस्ट बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। कोई अलग चीज़ खाते ना बाबा, टेस्ट आया नई चीज़ है। बिना ही पहली बार खा रहे हैं यहाँ पे, वो भी इंदौर में। और आप ये कहाँ का फेमस है सर? ये नागपुर में भी फेमस है, प्लस साउथ इंडियन रेसिपी भी बोला जा सकता है। अच्छा, साउथ इंडियन रेसिपी है, नागपुर में फेमस माने जाते हैं। वैसे साउथ इंडियन तो साउथ इंडियन भी फेमस होंगे, बाकी तो मुझे टीम आ चुकी है, सरदार भाई बिरे भाई सब लोग आ चुके हैं, और बस आप एक गर्म गर्म चीज़, क्योंकि चीज़ जिस पर डलता है वो गर्म गर्म खाओ तभी अच्छा लगता है। चीज़ मुँह पे डलता है ना, चीज़ एकदम खिंचके जाता है ना इधर, तब मज़ा आता है। तो सब मज़े ले रहे हैं, सब टेस्ट बताओ भाई। सबसे बढ़िया है, मस्त है ना। और सबसे बिरयानी सबसे स्पाइसी पसंद है, सबसे पहले स्पाइसी चटनी के साथ ही खाना बनाई ना, लहसुन की स्पाइसी चटनी अभी दीदी ने बताई काफ़ी स्पाइसी है। बस यहाँ पर तो पूरी प्लेट पर टूट पड़े सब लोग अभी, लेकिन उनको पता नहीं है यहाँ पर कितना सारा खाना है। खाते खाते पेट में दो तीन दिन आना पड़ेगा लगातार, तब जाके कवर हो पाएगा यहाँ का खाना। टेस्ट है पूरा अंदर तक गया हुआ है इसकी, यानी कि टेस्ट पूरा अंदर से, पूरा अंदर से टेस्ट आ रहा है। चीज का भी अलग ही टेस्ट आ रहा है। तो यहीं से पेट भर के जाने वाले हम भी खाते हैं। मुझे तो नारियल की चटनी अच्छी लगती है। अब मैं स्पाइसी खाने से दूरी बना रहा हूँ, तो इसलिए मेरी नारियल की चटनी बढ़िया है। चीज तो मटेरियल भर भर के डाला है, तो अच्छी लग रहा, मस्त लग रहा है। मेरे भाई का तो मन ही नहीं करा छोड़ने का, है भाई लगे हुए दाव देने अपना। अभी और क्या क्या मिलता है यहाँ पे सर? हमारे यहाँ चाइनीज भी है, प्लस पाव भाजी भी है, पराठे भी है, गुलाब जामुन भी है। अपन देख रहे हैं तो काफ़ी, लेकिन अगर होता तो मैं खूब खाता।
एक तरीके से है चीज़ी गोलगप्पे। अच्छा बिना पानी के। अच्छा ये तो बस आप जुड़ जाइए सीरीज के हिसाब से, तो ढेर सारी आने वाली है, तो आपके भुक्कड़वाई भुक्कड़पंती ऐसी फैलाएंगे। चैलेंजेस के लिए तो नहीं है, आज मैं पूरा ब्लॉगिंग कवर करने वाला हूँ, ब्लॉगिंग फूड कवर करने वाला हूँ, बाकी चैलेंजेस तो आपके भुक्कड़वाई हमेशा तैयार रहते हैं कई बार धूम मचाने के लिए। सुबह ही एक धूम मचाई थी, एक दीदी के पराठे खाए थे, बिना ही 5 मिनट में 10 पराठे खा गए दीदी हैरान, आगे फटी, बट ऐसे ही होगा आगे भी चल के, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार, आज के लिए बाय बाय।